व्लॉग्स में को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाय वेट अगेन रॉकी, मुझे को कैसे सही अच्छा हैरान हो गया वो एकदम से जब रॉकी को देखा ना। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग मज़े में हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक है। आपने ठीक पढ़ा टाइटल के हम लोग के जी एफ का एक क्लैशनकोव सीन देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने इसका एक प्रोमो देखा था रॉकी, जिसमें एक काफ़ी सारे ट्रक्स के सामने खड़े होते हैं और वो डुज डुज करते हैं। तो ये वाला पूरा सीन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप लोग सीन्स में देखते हो सर आपका मज़ा हो जाएगा ख़राब, तो आप पूरी मूवी देखो। लेकिन पूरी मूवी हम आपके साथ देखें ये पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें रिस्क है, ठीक है। तो उसमें फिर दो चीज़ें हैं, या तो फिर हम आपके साथ सीन्स देखें या फिर मूवी हम खुद देख के तो आपको एक रिव्यू दे दें। लेकिन अगर हम मूवी देखेंगे तो उसके बाद फिर हम आपके साथ सीन्स नहीं देख सकेंगे, क्योंकि देखी हुई चीज़ हम फिर से देखते नहीं और उसमें वो रिएक्शन या वो एक्सप्रेशन नहीं आता। तो ये आप ही बता सकते हैं हम क्या करें। आज जो हम सीन देखने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और देखने के बाद इस पे एज ऑलवेज हम लोग करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। फोन आया था ट्रक्स को वहां का भेजने के लिए रेडी करना। ये केजीएफ लग रहा है ना, ट्रक वो देख रहा है। ये रोकने के लिए शायद किया है। ये किसके बंदे हैं? सारे लोग केजीएफ में अधीरा इंतजार कर रहा है ना। अधीरा केजीएफ में इंतजार कर रहा है। अधीरा यार कितनी कमाल के लोग बनाए हैं। ये देखो अच्छा सामने खड़ा है सारी अपनी फौज लेके। आए वेट अगेन रॉकी, मुझे को कैसे सही अच्छा हैरान हो गया वो एकदम से जब रॉकी को देखा ना। ये फिर आ गया फिर आ गया स्टाइल है यार बंदे का। ये क्या कंधे को कुछ किया, सब कितने हैरान है। ओ रॉकी दुबई गया था 2 बजे से। दूसरी वजह क्या है? वो बहुत पैसे लेकर गया था ना। But wasn't that an advance for the gold in Ait Halulu Cindy? No. Then what was it for? Kalashnikov! Kalashnikov. इसलिए इतने पैसे। अच्छा दुबई गए थे? हाँ मैंने। ओए ओए उनसे भी ज्यादा है यार। अगला पूरी तैयारी के साथ आया है, बैंड बज गई इनकी, उनको पता था ना। अच्छा ये चाचा हर जगह साथ होते हैं रॉकी के। देखो सब गए। मेरे बड़े मजे का लग रहा है जो बीच में आ रहे हैं। अधीरा के ना कर लगी गोली। हुई गया
जी रॉकी पूरी तैयारी के साथ आया था, उनको लगा था वो समझ रहे थे कि ऐसे ही यूं टुक 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 कर वायलेंस आई डोंट लाइक आई अवॉइड वायलेंस लाइक्स मी आई कांट अवॉइड इनकी तो हालत टाइट होगी पीछे अधीरा की और सब। दो पत्थर रगड़ने से पूरे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही जंग में दो लोगों की लड़ाई से आस पास के सब उड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोलैटरल डैमेज। जिंदगी में किससे हाथ जोड़ते हो अहम है, किससे हाथ मिलाते हो अहम है, और किसका हाथ पकड़ते हो वो ज्यादा। अच्छा इसने श्री नदी को पकड़ा था। तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ में आ गई। ओहो, इतने साल गूदा लगा के जो हासिल किया, कोई मेरे जैसा आके झटके में उसे फोड़ दे तो आई अंडरस्टैंड। कमाल। क्या बोला तू? मैंने सिर्फ एक कदम रखा है। घड़ी में एक घंटा तब होता है जब बड़ा कांटा 60 कदम रखता है, पर छोटे कांटे का एक कदम काफी है। मैं कदम रख चुका हूँ, खेल का रुख बदल चुका है, सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर चुका है। जा, तुझे छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद ये टेरिटरी मेरी, वो टेरिटरी तेरी, ये सब छोड़ दो। द वर्ल्ड इज माय टेरिटरी। ओए होए, कमाल है भाई यार, गूज़बम्प्स आ गए हैं। रॉकी की एक्टिंग और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, और अच्छा इनायत, वो आनंद इंगलगी के बेटे बोलते हैं दुबई तो गया था लेकिन काफी पैसा लेके गया था, तो वो लेडी बोलती है कि वो तो इनायत खलील को गोल्ड के लिए शायद देने गया था, कहते नहीं वो क्या करने गया था, वो उधर जो पियन बैठे होते हैं ना, वो कहता है कलाश्निकोव लेने गया था। जब वो ट्रक्स आते हैं तो ये अधीरा वहाँ खड़ा होता है, तो उसे लगता है कि शायद वो बस एक सिंपल ट्रक जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, उनकी जरा सी फौज अधीरा की, और उन्हें लगता है, वो हंस रहे होते हैं जब रॉकी निकलते हैं ना, और रॉकी वो इशारा करते हैं की तरफ, तो वो एकदम से जब 100-200 बंदा निकल आता तो तब उनकी हवा निकल आती है। और उसके बाद जो वो एक शुरू होता है ना, और संजय दत्त के मैं एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ, और फिर एंड में जब संजय दत्त को भी एक गोली लगती है, और जब संजय दत्त फिर भी आगे आने लगते हैं, तो वो एकदम से शूट करते हैं उनको। अच्छा, मैं सोच रही थी यार कि संजय दत्त ने कमाल की एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और बड़े मजे का सीन था जब रॉकी नीचे आते हैं ना, वो एक वायलेंस वाला जो था डायलॉग, वायलेंस 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 आई डोंट लाइक। अच्छा, उसके बाद फिर वो उस आदमी को पकड़ते हैं, और ये आदमी वही है, मुझे याद आ रहा है पार्ट वन में जो गार्ड कर रहा होता है केजीएफ को ना, इनका रॉकी से सामना होता है, इसने कहीं पकड़ा है रीना को, जो हमें दिखाया जाता है, तो वो कहते हैं हाथ तूने पकड़ लिया ना, तो फिर हाथ डायरेक्ट उसका काटा है, कि ऐसे हर किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, उसका हाथ काटा है। मुझे तो उस टाइम हुआ है वो, बहुत। और एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि इतने साल तुम लोगों ने गुलामी की और एक आदमी झट से आके ले गया सारा, तो आई अंडरस्टैंड, बड़े मजे से वो बोला। अच्छा, वो बड़े मजे का सीन था, उन्हें कहते हैं कि वर्ल्ड ये सब छोड़ दो, ये मेरी टेरिटरी है तेरी, द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी। और फिर उसके बाद जब वो संजय दत्त चीखते हैं, शाउट करते हैं, और उनके बंदे फिर संजय दत्त को लेके जा रहे हैं कि भाई इस टाइम मौका, इस टाइम वो नहीं है लड़ने का, ना तुम्हें हिम्मत है ना हो, और भाई जंगल के बादशाह से उसका जंगल लेना इतना आसान थोड़ी है। तो यार मतलब है कि रॉकी के डायलॉग्स, रॉकी का वो एक्सप्रेशन, और संजय दत्त भी खास तौर पे बहुत अच्छे मुझे लगे। और वो चाचा को देखो शुरू से, फर्स्ट पार्ट से, साथ है, छोटे थे ना तब से उनके साथ चल रहे हैं। हाँ, मैं जैसे जैसे सीन्स देखता हूँ मेरा मूवी देखने का ज्यादा मूड बन जाता है, और मूवी हमने देखनी भी है, तो उसका हम यही है कि हम खुद देखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ सीन्स आपके साथ देखने के बाद हम फुल मूवी देख के आपको रिव्यू देंगे। आप बताइए आपको हमारे साथ देखने में कैसा लगा, और अगर बीच में से कुछ सीन्स वगैरह साउंड कहीं कहीं कट हुआ है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने तो देख रखा ना, तो बेसिकली आप हमारे
रिएक्शन हमारा एक्सप्रेशन देखने आ रहे थे वो आपको मिल गया। सो यही एक तरीका होता है जिस तरह कि हम इसको सेफली डाल सकते हैं। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आप लोगों के लिए नए नए रिएक्शन लाते रहेंगे। तब तक ये अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।